हाई एवरीवॉन आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पी एडमिशन से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट अपडेट जो कि एक बहुत ही फेमस राज्य सरकार के विश्वविद्यालय ने देखा जाए तो पी के एडमिशन के सत्र दो के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए उन्होंने देखा जाए प्रेस रिलीज एक जून दो को किया और आपको बता दें राज्य सरकार का विश्वविद्यालय होने के नाते जो लोग कम फीस में पीएचडी करना चाहते हैं और हिंदी मीडियम में पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं साथ में आपको बता दें कि जो यूजीसी का न्यू रूल आया है कि आपको नेट एग्जाम देना अनिवार्य है तभी जाके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं वो रूल अभी इस विश्वविद्यालय में पी के एडमिशन में लागू नहीं किया जा रहा है तो जो लोग ऑनली पी हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नेट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है आपको बता दें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं और यहाँ पे लास्ट डेट जो रहेगा फॉर्म फिल करने का वो रहेगा अट्ठारह जून दो तो 18 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं आप सभी और लिखित परीक्षा का डेट डिक्लेयर हो चुका है यानी कि 30 जून 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित कराया जाएगा और इस परीक्षा में जो लोग सफल होंगे यानी जनरल कैटेगरी से जो लोग होंगे 50 परसेंट मार्क्स लाना ज़रूरी है और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से होंगे 45 परसेंट मार्क्स लाना ज़रूरी है जो लोग इस एग्जाम में इतने मार्क्स लाएंगे वो लोग साक्षात्कार देखा जाए राउंड में जाएंगे और वहां पे साक्षात्कार के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे एडमिशन फी भी कम लगने वाला है मान के चलिए आठ से दस हजार रुपए के एडमिशन फी में आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और साथ में आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा अगर आप फेलोशिप की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें कि सौ नंबर का परीक्षा होगा जिसमें कुल देखा जाए सौ प्रश्न होंगे इसमें पचास प्रश्न देखा जाए तो अनुसंधान से होंगे रिसर्च से होंगे और पचास प्रश्न आपके विषय से होंगे ठीक है तो ये रहा आपके लिखित परीक्षा के बारे में थोड़ा सा डिटेल अब चलते हैं लेके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो ये रहा आपका विश्वविद्यालय विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में आता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाला राज्य विश्वविद्यालय ये है और इसकी वेबसाइट जो है आप लोग देख सकते हैं सेल्फ और साथ में आ, आपको बताएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है यहाँ पे है विक्रम यूनिवर्सिटी डॉट ए सी डॉट इन इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको विक्रम यूनिवर्सिटी और यहाँ पे पी से जुड़े हुए नोटिफिकेशन आपका सीट डिटेल और इंफॉर्मेशन ब्रोसर यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है अब आते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर यह है आपका विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एम पी इंफॉर्मेशन ब्रोसर जो की डीई टी यानी डॉक्टरेस डॉक्टरेट इन इंट्रेंस टेस्ट नाम दिया गया है और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे देखिए एक जून से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस अट्ठारह जून लास्ट डेट है उन्नीस जून को आपका देखा जाए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा जो कि इक्कीस तारीख तक चलेगा और तीस जून को आपका रिटर्न टेस्ट आयोजित किया जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में इंग्लिश है संस्कृत है उर्दू है ड्राइंग म्यूजिक सभी में यहाँ पे सीट अवेलेबल है हिस्ट्री है इकोनॉमिक्स है पॉलिटिकल साइंस है आपका फिजिक्स है ज्योग्राफी है जोलॉजी है लॉ है एजुकेशन है देखा जाए थर्टी सब्जेक्ट्स में यहाँ पे वेरियस सीट्स बहुत सारी सीट्स यहाँ पे देखा जाए एवेलेबल हैं तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए मिनिमम फिफ्टी परसेंट आपको देखा जाए पी में आ, मार्क्स आपका होना चाहिए साथ में जो रिजर्व कैटेगरी से फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए और अलग अलग सेंटर पे एग्जाम आयोजित होंगे एग्जाम जो होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे तो यानी आप यानी कि आपका एमपी में अलग अलग जगहों पे सेंटर आयोजित सेंटर बनाए जाएंगे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे जो भी कंप्यूटर टेस्ट रहेंगे और यहाँ पे देखा जाए फीस हो रहेगा अपलीकेशन फीस पच्चीस सौ रुपये यहाँ पे होने वाला है तो फीस थोड़ा सा देखा जाए महंगा है लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो नेट के बगैर यहाँ पे एडमिशन पा लेंगे और साथ में देखा जाए तो कम फीस में आपका डॉक्टरेट हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना पूरा हो जाएगा ओके तो इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लगते हैं थैंक फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो